कोविड वैक्सीनेशन में नंबर वन बना उत्तर प्रदेश, अब तक कुल 37 करोड़ वैक्सीनेशन की दी गई डोज। 1 सितंबर को कर्नाटक दौरे पर जा सकते हैं सीएम योगी, बेंगलुरु में एसडीएम के शेम वन यूनिट का कर सकते हैं उद्घाटन। बहराइच में अलग ही रंग में दिखाई दिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गौशाला में गौ सेवा करने पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, गौशाला में डिप्टी सीएम ने खुद मशीन से काटा गायों के लिए चारा। 2 सितंबर को श्रीकांत त्यागी के परिवार से मिलेगा सपा डेलीगेशन, डेलीगेशन में समाजवादी पार्टी के 9 लोग होंगे शामिल, पूर्व मंत्री शायद मंजूर करेंगे डेलीगेशन का नेतृत्व। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में 12 सितंबर को होगी अगली सुनवाई, हाईकोर्ट में मस्जिद पक्ष की तरफ से की गई बहस, याचिका में कोर्ट के एएसआई सर्वेक्षण के आदेश को दी गई है चुनौती। सैफई मेडिकल कॉलेज से 600 संविदा कर्मियों को निकालने के मामले ने पकड़ा तूल, समर्थकों के साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी पहुंचे शिवपाल यादव, शिवपाल ने कहा जल्द उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों पर अखिलेश का सरकार पर वार, कहा बीजेपी बोल रही है सफेद झूठ, महिलाओं के प्रति बढ़ा है अपराध। एनसीआरबी के आंकड़े आने के बाद बीजेपी का बयान, यूपी में अब कानून का राज है, योगी आदित्यनाथ जी की छवि, प्रशासक छवि के कारण यूपी की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक, 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने लगाई मोहर, प्रदेश के 62 जनपदों में 2100 नलकूप बनाए जाने को मंजूरी। योगी कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग के 2 प्रस्तावों पर लगी मोहर, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नया नियम, परिवहन विभाग में 744 सिपाहियों की भर्ती करने का प्रस्ताव पास। प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार के नियम में बदलाव को मंजूरी, 5 सितंबर की बजाय आगे नई तिथि घोषित होगी, कुल 18 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार। स्वास्थ्य विभाग के शिक्षण संस्थानों में होगी बंपर भर्तियां, कैबिनेट राजकीय मेडिकल कॉलेज और शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10,000 नए पदों को मंजूरी। ओम प्रकाश राजभर ने की योगी सरकार की तारीफ, कहा प्रदेश में रंगदारी टैक्स में आई 90% की कमी, यूपी में कानून व्यवस्था की भी राजभर ने तारीफ की। बीएसपी का सदस्यता अभियान मुश्किलों में घिरा, कल मायावती करेंगे समीक्षा बैठक, बीएसपी प्रमुख मायावती ने हर विधानसभा में 75,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया था। भूपेंद्र चौधरी ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ा मंत्री पद, सीएम योगी को सौंपा अपना इस्तीफा। बैंक लॉकर की जांच के बाद सिसोदिया का पीएम मोदी पर हमला, प्रधानमंत्री की सभी जांच में मेरा परिवार पाक साफ, मुझे जेल में डालने के लिए सीबीआई पर दबाव। आप सरकार पर बीजेपी का नया अटैक, सिसोदिया भ्रष्टाचारी नंबर वन, 5 लाख में बनने का वाला क्लासरूम 33 लाख में बनवाया, दिल्ली के स्कूल और छात्र सुरक्षित नहीं। शराब घोटाला मामले में अन्ना हजारे ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, कहा शराब की दुकानें बंद करें केजरीवाल। अन्ना हजारे ने कहा केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क, केजरीवाल के आचरण में बड़ी बात का असर नहीं। सीएम योगी के निर्देश के बाद एक्शन में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बुंदेलखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। वाराणसी में बाढ़ का कहर, 85 घाट पूरी तरीके से डूबे, कई मोहल्लों में घुसा पानी, गंगा के किनारे वाले करीब 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। गाजीपुर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर, बाढ़ की चपेट में कई गांव, बाढ़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद, एसपी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रयागराज में संगम नगरी में गंगा और यमुना उफान पर, जलस्तर बढ़ने से बड़ी परेशानी, लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर, अंतिम संस्कार करने में भी हो रही परेशानी, रसूलाबाद शमशान घाट जलमग्न। बलिया में गंगा कटान से बढ़ी लोगों की परेशानी, कटान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मंदिर परिसर में अचानक आया सैलाब, पानी के सैलाब में फंसी कई कारें, बाइक सवार श्रद्धालुओं ने भागकर बचाई जान। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश से हाहाकार, उत्तरकाशी में 2 मार्ग बारिश के चलते क्षतिग्रस्त, लगातार बारिश से गौला नदी का बढ़ा जलस्तर, रानीबाग चित्रशाला घाट पर जलती चिता बही, कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। हल्द्वानी में अचानक से बदला मौसम का मिजाज, शहर शहर में जलभराव, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। गाजियाबाद में बीजेपी नेता को सरतन से जुदा की मिली धमकी, टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा के समर्थन में बोलने पर घर भेजा गया धमकी भरा लेटर, शिकायत दर्ज, जांच जारी। प्रयागराज में बीच गंगा में चिकन पार्टी करने पर अयोध्या के संत नाराज, संतों ने की कार्रवाई की मांग, गंगा में पार्टी करते हुए वीडियो हुआ था वायरल।
मुरादाबाद में सामूहिक नमाज मामले में सामने आया नया मोड़, पुलिस की जांच में झूठा निकला मामला, पुलिस ने हटाया केस, 26 लोगों के खिलाफ दर्ज थी FIR। हरदोई में इंसाफ के लिए बीजेपी मंडल उपाध्यक्ष जिला कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे, फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया, विधायक ने कार्रवाई कर दिया आश्वासन। कानपुर में श्री लगन साड़ी पर सेंट्रल GST टीम की रेड, टैक्स चोरी की सूचना पर पहुंची थी छापेमारी के लिए टीम। गाजीपुर में माफिया मुख्तार पर पुलिस का शिकंजा, 4 करोड़ की बेनामी संपत्ति हुई कुर्क, मुख्तार के करीबी जफर उर्फ चंदा के नाम थी संपत्ति, एम्बुलेंस प्रकरण समेत दर्जनों मामलों में है आरोपी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की कुर्क जमीन पर बनाए गए मकान, मामला सामने आने के बाद IG ने दिया जांच का आदेश, कहा दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। कुशीनगर में शराब माफिया की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क, अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पर चला प्रशासन का डंडा, शराब माफिया मनोज गुप्ता के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क। बुंदेलखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए DM ने पेपर हब इंडस्ट्रीज का किया निरीक्षण, DM ने सुनी उद्यमियों की समस्याएं, शासन से मदद का दिया भरोसा। अलीगढ़ में मंदिर के अंदर मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, हिंदू रक्षा दल ने की आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। अब की बार गाजियाबाद में दिखा पिटबुल नस्ल के कुत्ते का कहर, लोनी बॉर्डर इलाके में काटा बच्ची का कान, सर्जरी के बाद बची जान, लखनऊ मेरठ में भी दिखा था आतंक। अलीगढ़ में एकतरफा प्यार में छात्रा को पेट्रोल छिड़क कर जलाने की कोशिश, 11वीं क्लास की छात्रा पर सरेआम किया हमला, फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिजनौर में 1 लाख के नामी आदित्य राणा की पत्नी गिरफ्तार, पत्नी गुड्डी के पास से 2 किलो चरस बरामद, घर से पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद की, पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया था आदित्य राणा। महाराजगंज में गुगली थाना क्षेत्र में छात्रा की पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया है, पुलिस ने महाराजगंज में गुगली थाना क्षेत्र में छात्रा की हत्या से सनसनी फैल गई थी, हत्या में इस्तेमाल धारदार हथियार भी बरामद हुए हैं। जालौन में तेज रफ्तार का कहर बेकाबू होकर पलटा ट्रक, ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया। जालौन में घर के बाहर भैंस बांधने को लेकर विवाद, 4 महिलाओं ने मिलकर की एक महिला की पिटाई, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागपत में अवैध पशु तस्करी पर कार्रवाई, पुलिस ने पशु ले जाते हुए पिकअप को पकड़ा, तस्कर मौके से फरार, 2 गाड़ियों से पशु बरामद। बहराइच में भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार, आरोपी के खिलाफ पहले भी दर्ज हैं कई FIR। मेरठ में डबल मर्डर से इलाके में हड़कंप, बैंक मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटी की हत्या, मां बेटे की हत्या कर बेड के बॉक्स में शव छिपाया, मकान में ताला डालकर स्कूटी साथ ले गए हत्यारे, पति के घर पहुंचने पर बेड में मिले दोनों शव। ग्रेटर नोएडा में सुपरवाइजर मोहित की हत्या का मामला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 2018 में दादरी के लुहादली गांव में मोहित भाटी की गोली मारकर हुई थी हत्या। लखीमपुर खीरी में युवक ने पत्नी और बच्चे को उतारा मौत के घाट, खुद भी पेड़ से फांसी लगाकर की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शामली के कांधला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या, 3 लोगों पर हत्या का केस, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। प्रयागराज में महिला की गला रेतकर हत्या, घर के अंदर मिला महिला का शव, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। बहराइच में 2 मासूम बच्चियों की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली, थाना दरगाह क्षेत्र पुलिस शिनाख्त में जुटी। रायबरेली में दीवार गिरने से मासूम की मौत, 1 मासूम जिला अस्पताल में भर्ती, डी थाना इलाके के लोधवारी गांव का मामला। बागपत में बच्चों के साथ बेरहमी से पिटाई, पूर्व ग्राम प्रधान अयूब ने बच्चों के साथ की मारपीट, कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर गांव की घटना। बिजनौर में कार और बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत, हादसे के बाद कार चालक कार छोड़कर हुआ फरार, झालूर नहटोर रोड पर हुआ हादसा। आगरा में एक्टिवा सवार युवक महिला के गले से चेन लूटकर हुआ फरार, पूरी घटना CCTV में कैद, एकता चौकी क्षेत्र का मामला। बहराइच में मां बेटी को जहरीले जानवर ने काटा, मां की हुई मौत, बेटी की हालत नाजुक, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। रायबरेली में नशे के खिलाफ अभियान जारी, पुलिस ने हुक्काबार में की छापेमारी, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आगरा में नशा मुक्त अभियान के तहत 690 ग्राम गांजा बरामद, शमशाबाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मेरठ में नकली दवाइयों के खिलाफ ड्रग विभाग की कार्रवाई, छापेमारी में प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा बरामद, लाखों में बताई जा रही है दवाइयों की कीमत। डीजल चोरी के आरोप में हरदोई डिपो के 4 कर्मचारी निलंबित, 3 के खिलाफ FIR दर्ज, समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद क्षेत्रीय प्रबंधक ने दर्ज कराया मुकदमा।
वाराणसी में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास 300 पेटी शराब बरामद, 18 लाख बताई जा रही है शराब की कीमत। जालौर में पुलिस को चुनौती दे रहे चोर, सूने घर में चोरों ने वारदात को दिया अंजाम, 2 लाख रुपए के जेवर समेत 20,000 रुपए नकदी लेकर हुए फरार। जालौर में रंगदारी को लेकर दबंगों ने दुकानदार से की मारपीट, वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद, कदोरा थाना क्षेत्र के हमीरपुर जोलहूपुर हाईवे की घटना। लखनऊ में महिला का झड़प करने का वीडियो वायरल, पेट्रोल पंप पर विवाद का मामला सामने आया है, खड़ी गाड़ी में टक्कर मारने के बाद हुआ था हंगामा। हरदोई में आंख में मिर्च डालकर टप्पेबाज ले उड़े 20,000 रुपए और मोबाइल फोन, हर कोतवाली क्षेत्र के सोल्जर बोर्ड चौराहे का मामला। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर लग्जरी गाड़ियां काली फिल्म लगाकर चलने वालों के खिलाफ चला अभियान, 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के काटे गए चालान। सीतापुर में गालीबाज दारोगा का वीडियो वायरल, लोगों को जेल भेजने की धमकी दे रहा दारोगा, मिश्रिक कोतवाली में तैनात बताया जा रहा दारोगा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, एसपी ने जांच के आदेश दिए। रायबरेली में धर्मांतरण कराए जाने के आरोप में 3 गिरफ्तार, प्रार्थना के नाम पर घर में धर्मांतरण कराने का आरोप, बीजेपी नेताओं के हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, एक मकान में लगभग 250 लोगों को कराई जा रही थी प्रार्थना। ललितपुर में एम्बुलेंस से हो रही माल ढुलाई, उमा भारती ने सांसद निधि से दी थी एम्बुलेंस, एम्बुलेंस से मरीजों को कोई लाभ नहीं, माल ढुलाई का वीडियो वायरल, विभागीय अधिकारी नहीं दे रहे कोई जवाब। भदोही में युवक ने युवती पर धारदार हथियार से किया हमला, नंबर ब्लॉक करने से नाराज युवक ने किया हमला, फोन कर युवती को परेशान कर रहा था युवक, युवती को वाराणसी किया गया रेफर। औरैया में दबंगों के युवक को बंधक बनाकर पिटाई करने का मामला सामने आया है, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मुजफ्फरनगर में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, रोडवेज बस ने बाइक सवारों को कुचला, हादसे में 2 लोगों की हुई मौके पर ही मौत, रोडवेज बस चालक बस छोड़कर हुआ फरार। कासगंज में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया, चोरों के कब्जे से चोरी की 2 बाइकें बरामद, पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा। बरेली के बहेड़ी हादसे का सीसीटीवी आया सामने, कैंटर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी थी टक्कर, इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई थी, रविवार 28 अगस्त को हुआ था हादसा। बहराइच में अवैध खनन का खेल लगातार जारी, बेखौफ होकर खनन कर रहे माफिया, अवैध खनन का वीडियो वायरल, अवैध खनन पर नहीं हो रही कोई कार्रवाई, मोतीपुर थाना क्षेत्र का मामला। सीतापुर में ढाबे पर अपराधियों की खातिरदारी करते पुलिस वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अपराधी की खातिरदारी करते कैमरे में कैद हुए पुलिस वाले। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के किसानों का तहसील परिसर में धरना, किसानों ने एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए। जालौन में थाने में पकड़े गए ट्रकों के रिलीज ऑर्डर के नाम पर वसूली का लगा आरोप, 2019 से थाने में खड़े ट्रक को रिलीज करने के नाम पर पुलिसकर्मियों पर लगा वसूली का आरोप, कानपुर के ट्रक चालक ने पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया। बागपत के दिल्ली देहरादून हाईवे के निर्माण कार्य शुरू कराने पहुंची प्रशासन की टीम का किसानों ने किया विरोध, किसानों के विरोध को देखते हुए प्रशासन ने सड़क निर्माण को रोका, किसानों ने मुआवजा बढ़ाने और हाईवे पर कट न मिलने से सड़क निर्माण का विरोध किया। गुरुग्राम के लिफ्ट वाले थप्पड़बाज वरुण नाथ को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सिक्योरिटी गार्ड्स के मोर्चा खोलने के बाद एक्शन, द क्लोज नॉर्थ अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड की पिटाई की गई थी। बेंगलुरु में गणेश चतुर्थी से पहले सुरक्षा कर्मियों का फ्लैग मार्च, चामराजपेट में ईदगाह मैदान के पास निकाला गया पैदल मार्च। असम के कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक का विवादित बयान, मुगलों के बिना देश का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा होता, मुगलों ने देश का नाम हिंदुस्तान रखा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को ईडी ने भेजा समन, कोयला घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी को 2 सितंबर को बुलाया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बड़ा झटका, गुलाम नबी आजाद के बाद अब कांग्रेस के 64 नेताओं ने दिया इस्तीफा, सभी 64 नेता गुलाम नबी गुट में शामिल। पाकिस्तान में बाढ़ की चपेट में 3 करोड़ लोग, अब तक 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर। इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के राजनीति छोड़ने पर बवाल, धर्मगुरु के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच झड़पें, राष्ट्रपति भवन में घुसी भीड़, फायरिंग में अब तक 15 लोगों की मौत। शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच झड़प, ग्रीन जोन के बाहर एक दूसरे पर फेंके पत्थर, कई घायल, तनाव जारी। इराक में अराजकता जैसी स्थिति पैदा हुई, रिपब्लिकन पैलेस के स्विमिंग पूल में मस्ती करते नजर आए प्रदर्शनकारी। रूस ने यूक्रेन के स्लोवियास्क शहर में किया हमला, रिहायशी इमारतों को पहुंचा भारी नुकसान। पाकिस्तान में बाढ़ से आर्थिक स्तर पर
भारी नुकसान, देश को संभावित 10 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका के मिसिसिपी में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, खतरे के निशान से ऊपर पहुंची पर्ल नदी, शहर की सड़कों पर भरा पानी। बाढ़ से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आई तबाही, पंजाब के कई इलाकों में भरा पानी, ड्रोन वीडियो आया सामने। दक्षिणी पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री, पीएम शहबाज शरीफ ने भी किया राहत शिविरों का दौरा। पाकिस्तान की हार पर पूर्व पाकिस्तानी पेसर वसीम अकरम का बयान, कहा बाबर ने कप्तानी में की चूक, मोहम्मद नवाज से आखिरी ओवर कराना गलती। ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी निक किर्गियोस का बयान, कहा वो यूएस ओपन से जल्दी बाहर होना पसंद करेंगे, विंबलडन फाइनल के बाद से थकान महसूस कर रहे। रणवीर सिंह से न्यूड फोटोशूट केस में हुई 2.5 घंटे तक पूछताछ, अभिनेता रणवीर सिंह का बयान दर्ज किया गया। टूटे पैर के साथ जिम में व्हीलचेयर पर बैठकर शिल्पा शेट्टी ने उठाया डंबल, बोली पैर टूटा है हाथ नहीं, वीडियो हुआ वायरल। प्रीति जिंटा का वर्कआउट वीडियो आया सामने, वीडियो में फिट बॉडी के लिए प्रीति जिम में पसीना बहाती नजर आ रही है। अमेरिका के न्यूजर्सी में अमिताभ बच्चन के लिए दीवानगी, इंडियन अमेरिकन फैमिली ने घर के बाहर लगवाया 60 लाख का स्टैच्यू, कहा अमित जी मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। माधुरी दीक्षित के रंग में रंगी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, हम पे किसने हरा रंग डाला, मार डाला, सोनाक्षी सिन्हा का वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है।